बड़वानी कलेक्टर ने निजी अस्पतालों द्वारा निर्धारित दरों पर कोविड मरीजों के इलाज की व्यवस्था की है। कलेक्टर के इस कार्य की मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रशंसा करते हुए अन्य जिलों में ये व्यवस्था लागू करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जिले में कोरोना की स्थिति पर बात की है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण पर सभी जिलों के कलेक्टर से क्षेत्र के हाल भी जाने। इसी के साथ सीएम ने बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा की भी प्रशंसा की है। बड़वानी कलेक्टर ने निजी अस्पतालों के संचालकों के साथ बैठक कर कोविड के मरीजों के इलाज के खर्च को निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के कलेक्टर्स को ऐसी ही व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। रेड नाइन न्यूज के लिए बड़वानी से हर्षद सोनी की रिपोर्ट। बड़वानी में सर, तो सर पूरा 253 में सर एक वीक में जो 25 तारीख से 31 के बीच में 231 केस आया सर, सबसे ज्यादा केस हमारे इसी वीक में आए हैं। इससे सर पहले हमारे पूरे वीक में 117 केस आ रहे थे पहले, तो सर डबल मार्च वाले वीक में होगा सर, इसमें 25 से 31 के बीच में सर। इसका मेन कारण सर यह कि जो सर हमारे जिले में जो महाराष्ट्र से जो तीन जिले लगे हुए हैं, नंदुरबार, धुलिया और जलगांव, वहाँ से सर हमारे जो लेबर है सर वहाँ पे होली से पहले सर जो भगोरिया मेले में शामिल होने के लिए काफ़ी संख्या में आए थे। ये बड़वानी के लिए गौरव की बात है। हमारे बड़वानी में सभी जो निजी अस्पताल संचालक हैं उनके साथ मैंने मीटिंग की थी और मीटिंग करके हर चीज़ का रेट फिक्स कराया और उनकी रेट को डिस्प्ले करा करके पैकेज भी लगवाया गया, और उससे बड़वानी ज़िले में लोगों को अनावश्यक जो पैसा लग रहा था वो भी रुका हुआ है। इसमें सभी निजी जो अस्पताल संचालक हैं इसमें बधाई के पात्र हैं। ये बधाई मैं उन्हीं को अर्पित करता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़वानी का इसमें लिए नाम लिया, चूँकि प्रदेश में कई जिलों में हम लोग सुनते हैं कि कोरोना के नाम पर बहुत पैसा लोगों से लिया जा रहा है, पर जब से हमने ये आदेश जारी किया हुआ तब से खुशी की बात ये भी है कि हमारे किसी भी प्राइवेट अस्पताल के बारे में ये शिकायत नहीं मिली है कि जो रेट निर्धारित किया उससे ज़्यादा पैसा ले रहे हों। तो ये बधाई उन्हीं को अर्पित है।